पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्या हम अपने नवजात बेबी की नोज़ को प्रेस करके या उसे खींच कर या दबा कर उसको हम सेप में ला सकते हैं, या ये प्रोसेस करना ठीक है या नहीं ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी बच्चों की जो नोज़ है थोड़ी पिचकी हुई या थोड़ी मोटी या फूली हुई नोज़ होती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसे खींचेंगे या दबाएंगे तो ये एक शेप में आ जाएगी। और बहुत से हमारे घर में जो बड़े जन होते हैं अक्सर हमें यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों की नाक डेली दबाया करो या डेली खींचा करो, तो वो बच्चों की जो नाक शेप में आ जाएगी और नुकुल नुक पॉइंटेड और नुकीली हो जाएगी। तो क्या ये वाकई में वर्क करता है? क्या वाकई में ये ट्रू है, ये सच है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो माय डियर मॉम्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसा करने की सोच रहे हैं अपने बच्चे के साथ, अगर आपके बच्चे की नोज शेप में नहीं है, मोटी फूली हुई है, पिचकी हुई है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देके ये चीज़ समझाऊंगी, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि आप सभी जानते हैं कि जो छोटा नवजात बच्चा होता है एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, ठीक है? आप उसे जिस शेप में करोगे या बार बार उसे आप जिस जगह पर आप दबाओगे किसी भी चीज़ के बच्चे की बॉडी पार्ट को, तो वो उससे बच्चे को नुकसान डेफिनेटली होगा, ठीक है? तो हमें ये सब चीज़ नहीं करनी है, ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमें किसी के कहने पर नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ पकड़ते हैं वो नेचुरली ही अपने आप वो सारी चीज़ें शेप में आ जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं हमारी बोन्स की जस्ट डबल होती हैं, ठीक है? तो जैसे बच्चा आपका ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे वो जो बोन्स हैं आपस में फ्यूज रहती हैं, डबल रहती हैं, वो खुलने लगती हैं और एक शेप में आने लगती हैं और बच्चे के बॉडी को एक सही शेप देती हैं, ठीक है? तो आप अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ऐसा करने से बच्चे की बॉडी, जो बच्चे की नोज है, बिल्कुल शेप में आ जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा ये बच्चे का हेड है, ये आगे निकला हुआ होता है। आपको मैं दोनों चीज़ें क्लियर करूँगी कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ करनी है जो कि हमारे बच्चे के लिए सेफ है, सुरक्षित है, और क्या डेंजरस हो सकती है। तो सबसे पहले कि आप कभी भी बच्चों को, बच्चे की नोज को इस तरह से खींचे नहीं, ठीक है? और ना ही आपको ये दबानी है, ना ही ये पकड़ के उठानी है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे के जो यहाँ पर नोस्टिल्स होते हैं, जिससे कि बच्चा ऊपर की तरफ गहरी सांस लेता है, वो दब सकते हैं, ठीक है? जैसे ये उठा हुआ पोर्शन है, ये दब गया बच्चे का, तो बच्चे को नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे के जो नोस्ट्रिल्स हैं यहाँ पर जो जो कि माइंड तक हवा जाती है, वो ब्लॉक हो सकती हैं, स्पेस कम हो सकता है। और आगे फ्यूचर में आकर क्या होगा कि वो जो बोन्स हैं यहाँ जो मजबूती पकड़ लेंगे, और जो बच्चे हमारी बात करेंगे वो माउथ के प्रोनंसिएशन की बजाय जो उनकी नाक से आवाज़ आने लगेगी, ऐसा लगेगा कि बच्चा नाक से बोल रहा है, तो इतने डेंजर हो सकता है ये बच्चे के लिए, ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि बच्चों की नाक को खींचें या यहाँ से दबाएं या यहाँ से खींचें या यहाँ से दबाएं, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बच्चों की नाक दब सकती है, जिससे कि उन्हें बोलने में, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अच्छा, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ जिस भी ऑयल से आप मसाज कर रहे हैं, उस ऑयल से आप रेगुलर बच्चे के माइल्ड, बहुत सॉफ्ट हैंड आपको यूज़ करने, जैसे कि मैंने बोला बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप जैसे जहाँ दबा दोगे वो चीज़ वहीं पर आकार लेने लग जाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी उंगलियों पर तेल लेना है, जिस भी ऑयल को आप यूज़ करते हैं बेबी की मसाज के लिए या बेबी के फेस पर, वो बस आपको धीरे धीरे बच्चे की नोज पर, चाहे आप अंगूठे ले लीजिए चाहे उंगली ले लीजिए, बस हल्के हल्के इस तरीके से ऐसे करके हल्का सा इस तरह से रब कर दिया, हल्का सा ऐसे करके रब कर दिया, बहुत ही हल्का, जैसे बस आपकी उंगलियां टच हो रही हैं, सिर्फ आपको यही करना है, आपको खींचना दबाना कुछ भी नहीं है, बस माइल्ड हैंड से आपको इस तरीके से बच्चे की नोज पर अपनी उंगलियां तेल से फिरानी है, ऐसे करके धीरे धीरे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से आपको ये करना है, बस प्रेशर बिल्कुल भी आपको बच्चे की नोज पर नहीं लगाना है, ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि बच्चे का जो हेड ऊपर की तरफ फूला हुआ होता है या लंबा, जैसा जैसे आपको अपने चीज़ एक नोटिस करी होगी, किसी किसी बच्चे का ये चीज़ काफ़ी इस तरीके से निकली हुई होती है जो कि काफ़ी अच्छी नहीं लगती। तो उस कंडीशन में आप हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से अपने बच्चे के मसाज कर सकते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है, न्यू राउंड इस तरीके से हल्का सा ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन कहीं पर भी आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है कि मैं बच्चे का ये दबा दूंगी ये तो बिल्कुल अंदर चला जाएगा, नहीं। अगर आपने ये सब चीज़ कर दी तो जो चीज़ अंदर ग्रोथ करेगी वो चीज़ ग्रोथ नहीं कर पाएगी और आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। बस आपको बस हल्का सा मसाज करते समय ये चीज़ यहाँ पर आपको हल्का हल्का करना है, क्योंकि तो आप डेली इस चीज़ को मसाज के साथ करोगे तो ये चीज़ अपने आप मतलब ठीक हो जाएगी, शेप में आ जाएगी। ऐसे ही आपको नोज के साथ करना है। बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता है अपने आप ही ये चीज़ अब शार्प होने लगती है, ठीक है, अपने आप ही ये लेवल में आने लगती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब बच्चा नवजात होता है तो कुछ अंग उसके ठीक से विकसित नहीं होते, लेकिन एज के साथ वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ध्यान में रखनी है। आप किसी की बातों में आपको नहीं आना है कि नहीं हमने तो अपने बच्चे की नोज खींची थी और दबाई थी, हम ये करते थे वो करते थे, नहीं। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हम दूसरे की बातों में आकर ये सब चीज़ करते हैं तो प्रॉब्लम हमें और हमारे बच्चे को ही और लाइफ फेस करनी होगी। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बच्चों को यहाँ से सर भी आपने देखा होगा पिचक जाता है, क्यों? क्योंकि यही बच्चे की इतनी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं कि जब बच्चे एक ही साइड से सोते रहते तो बच्चे के सर भी पिचक जाते हैं। हड्डियाँ कितनी मजबूत मजबूत होती है लेकिन वो भी चीज़ पिचक जाती है और जो हेड की शेप है वो बिगड़ जाती है। तो आप सोचिए कि आप बच्चे की नोज को दबाएंगे तो वो उसे कितना ज़्यादा पेन होगा और कितनी ज़्यादा डेंजरस बच्चे की नोज ये बच्चे को के लिए हो सकता है। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी इस तरह के एफर्ट्स अपने बेबी के साथ ना करें। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपके मैंने जो समझाई आई थिंक आपको समझ में आई हो। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी बात यहाँ बोलूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो माय डियर मॉम्स, प्लीज़ इस तरीके से आप अपनी बेबी के मसाज करें फेस की अच्छे से, राउंड एंड राउंड हल्के माइल्ड हैंड से ही नोच पे। मैं दोबारा बता दे रही हूँ, इस तरीके से ऐसे ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंडों के साथ, ठीक है। प्रेशर कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, वो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल डेंजर हो सकता है, डॉक्टर भी मना करते हैं इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके की किसी की कही सुनी बातों में ना आए और ना ही आप खुद इन सब चीज़ों को यूज़ करें। तो आई होप मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो। तो माय डियर मॉम, इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह से बना कर रखिए। कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल के। बाय।